नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। हॉस्टल खुलवाने के लिए वीसी से मिलने पहुंचे छात्र, पीयू में बमबाजी की घटना के बाद से बंद है हॉस्टल। छात्रों ने कहा नहीं खुला हॉस्टल तो करेंगे प्रदर्शन। गृह मंत्री विज के पास पहुंची नशे की शिकायत, अंबाला के लोग बोले नशा बेच रहे तस्कर, महिला सहित 3 पर FIR। पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट और बमबाजी मामला, फरार उपद्रवियों के खिलाफ वारंट की तैयारी, घायल छात्र को अस्पताल में मिली छुट्टी। ठंड आते ही बड़ी पौधों की डिमांड, लोग घरों में लगा रहे वायु प्रदूषण कम करने वाले प्लांट्स, गेंदा डहेलिया बढ़ा रही खूबसूरती। पटना म्यूजियम में दिखेगी उत्तर और दक्षिण बिहार की झलक, अगले साल लोगों को मिलेगी गंगा और पाटलिपुत्र गैलरी की सौगात, मिलेगी इतिहास की जानकारी। राजस्थान में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट में कई खुलासे, बड़े नेता क्षेत्र से नहीं निकले, भाजपा को नहीं घेरा, योजनाएं बंद हो जाएंगी नहीं समझा पाए। मेडिकल कॉलेज के HOD पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्रा बोली फ्रेंडली होने का दबाव बनाते थे, कहते एप्रन उतार दो, विक्टिम की मां ने प्रिंसिपल से की शिकायत। गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर निकलेगी रथ यात्रा, 14 शहरों से गुजरेगी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर से ट्रस्ट ने कहा प्राण प्रतिष्ठा में ना आए। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज, राहुल नीतीश केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे कई नेता आएंगे। सीट शेयरिंग, सांसदों के निलंबन पर चर्चा संभव। मम्मी पापा सॉरी, उसे सजा जरूर दिलाना, रायबरेली में छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ना जाने कहां से निकाली मेरी फोटो। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।